नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सोनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग दूसरा देखे हैं, तो लीजिए आपके स्क्रीन पे हाजिर है भाग तीसरा। एक काम करो, तू अपने महल के पास धीरज के धारण करो करो। मैं ये सब बातों के राज बंगले पर मैं नहीं जाती हूँ, ये सब बातों तुम्हारे पिताजी से कहूंगी, ठीक है माँ? ओ बानी, महारानी जी की खुशी हो। ए बताओ तुम कहाँ रहती हो, कितना देर करती हो? ना घर बाहर थली, चले जाओ राज बंगले पर और जाके मेरे स्वामी जी से कहना है कि आपको रानी महल में बुलाई है। ठीक है महारानी जी, जल्द जाओ और जल्द मेरे स्वामी को बुला के। ठीक है। हेलो चे, हेलो हेलो। अच्छा श्रीमान जी, अभी अभी आप लोगों को सामने जो नाटक दर्शाया गया आल्हा खान में से नैनागढ़ की लड़ाई एंड आल्हा और सोनमा के विवाह की कहानी, तो अभी अभी देख रहे हैं कि राज बंगले पर विराजमान राजा नेपाली सिंह और बेटा जोगा और बेटा होगा। हम लोग आपस में किस प्रकार से वातावरण करते हैं वो आप लोग गौर फरमाएंगे। बेटा जोगा यार होगा। पिताजी ए राज नैनागढ़ है, राज नैनागढ़ में जब तक परम पिता परमेश्वर को सुमरन वंदना आराधना नहीं होता है तो किसी तरह गुण नहीं पाता है। कहना सत बात है पिताजी कि जब तक अले हमारे बंगले पर भगवान के भजन नहीं होता है तो हमारे बंगला उदास रहता है। इसलिए सभी बापू से मिलकर भगवान के भजन कर लीजिए तो बहुत सुंदर की बात होगा। बेटा जोगा और भोगा सभी परिवार सभी बापू तो मिलकर अपने राज बंगले पर प्रभु का भजन किया जाए। चल के बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। आहो गंगिया मैया तर,
बेटा जोगा पिताजी सुमरन किया ब्रह्मा विष्णु जी के गंगा माँ को हमने चरण मनाओ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा। ठीक है पिताजी मैं भी सुमरन कर लेता हूँ। भी सुमरन कर लो ठीक है। आज सुमरन करला पिताजी आज शिव शंकर के आज सुमरन आज शिव शंकर के शिव शंकर की माँ पार्वती जी की चरण मनाया भाई छोटा भोगा तभी भगवान के भजन कर लो कर लो। ठीक है भैया जी आप सुमरल किया है भैया जी आज मात सर देगा आज सुमरन करला भैया जी आज मात सरस्वती के Thank you.
भगवान के भजन किया तो कैसा लगा? बेटा जोगा और भोगा होगा, प्रभु का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से जिसे लग रहा है कि सही बात पिताजी। चलिए बगले पर बैठ के सोच विचार करता हूँ। ठीक है बैठा जाओ। खुश रहो बाली, खुश रहो बाली, सुखी रहो भाई छोटे भोगा। आज बाली हमारे बंगले पर आई है, इससे पूछो कि किस कारण से बंगले पर आई है। बेटा जोगा और भोगा, ये तो रंग महल का बाली है, लेकिन बाली के देखो कि किस प्रकार से आई है। अरे बाली, ठीक है बाली, सुनो सुनो, इस भैंस राजा ने बाली से देखना नहीं चाहता है। कि तुम्हें कोई रंग महल में कोई तुम्हें बात कह दिया हार कि कोई पापी रंग महल में कोई तुम्हें आंख दिखा दिया है, आदि बतलाओ कि कोई आंख दिखा दिया है तो उसे नाम बतलाओ। राजा ने पाली सिंह उसका आंख नहीं दिखा लिया, तुमने पाली सिंह अगे बांदी कोई तोरा पर चढ़ गए लोगे। क्या बोला? आज ये तन्ना है जे कभी भी बांधी है जे हम लोग के राज बंगले पर नहीं आती थी, या जाने के कारण कहते हो आपको चार रुक है कभी आती थी, आज का कारण है कि आई है? तो वही ने पूछ लिया जे, तो वही तो पूछ लिया कौन कारण तोरा पर लुगे तू खवराल बोल रहा नहीं है क्या? इज्जत से नाम लो, तो इज्जत से ना बोल रही है जे, इज्जत से बोले क्या? इज्जत से ये देखो तो इज्जत से ये देखो तो ढोंगी दिखा के ले ए बाली के साथ बात कर
मजाक करते हो? मजाक इज्जत से इज्जत नहीं रही, इज्जत से बात कर भाई, भाई ध्यान से इज्जत से ही जरा जरा महाराज कहो वाली बताओ क्या बात है, किस कारण से आई है? महाराज को रानी ने बुलाई रंग महलों ने। क्या हमारी माँ रंग महल में हमारे पिताजी के याद की है? ठीक है पिताजी, वाली खबर लेके आई है कि हमारे माँ रंग महल में याद की है। क्या खबर लेके आई है? अब जाके माँ से मुलाकात कर सकते हैं। बेटा जोगाड़ होगा, तीन लोग इस राज बंगले पे रहो और मैं रंग महल में जाकर इस बातों को खुद स्वयं समझता हूँ। सुन ले आबरी सही है ना, तो ऊपर नीचे झाक के यहाँ न तो मकई में ले जाके तो पसीना छोड़ा दू। क्या समझ गया? समझा ना जे आबरी सही है तो बढ़िया सही है। ये कहो तकलू भैया मूर्ख कहीं का। ठीक है पिताजी अब जाइए। ठीक मैं जा रहा पिताजी को प्रणाम करता हूं। खुश रहो, जीते रहो। जीती रहो रानी, खुशी रहो। हे स्वामी लेकिन रानी स्वामी मैं तुमसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। कौन ऐसी बात है? सुन लो है।